यूपी के सीएम योगी ने दी वाराणसी को सौगात, 17 करोड़ की लागत से बनेगा नया गंगा घाट। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ 2025 की तैयारियां शुरू, 3000 करोड़ रुपए की लागत से दिव्य भव्य होगा कुंभ। अयोध्या में नए रूप में जल्द शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन का संचालन, राम मंदिर के उद्घाटन से पहले पूरा होगा काम। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करने आई रूस, इंडोनेशिया और अमेरिका से साधु संतों की टोली, दर्शनों के बाद अंबुवाची मेले में होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी को एक नई सौगात दी है। वाराणसी में एक नए गंगा घाट का निर्माण कार्य शुरू होगा, जिसमें लगभग 17 करोड़ रुपए की लागत आएगी। आने वाले समय में इस घाट को अन्य जल मार्गों से भी जोड़ने की योजना है, जिससे बोट या क्रूज से यहां पहुंचा जा सके। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर प्रयागराज मेला विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें कई परियोजनाओं पर चर्चा हुई। इसमें बिजली, सीवरेज, स्वच्छता, स्थानीय सड़कों के चौड़ीकरण आदि परियोजनाएं शामिल हैं। उम्मीद है कि 2025 का महाकुंभ 3000 करोड़ रुपए की लागत से दिव्य भव्य होगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन का नए रूप में संचालन शुरू कर दिया जाएगा। हवाई अड्डे के पहले टर्मिनल की क्षमता 300 यात्रियों की होगी, बाकी के 3 टर्मिनल 2025 में पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएंगे। उज्जैन स्थित बाबा महाकाल के दर्शन के लिए कई विदेशी साधु संत पहुंचे। रूस, इंडोनेशिया और अमेरिका से आए संतों ने बताया कि विदेशों में भी लोग सनातन संस्कृति से जुड़ रहे हैं। संतों ने बाबा महाकाल का पूजन किया और मां कामाख्या के दरबार में लग रहे अंबुवाची मेले के लिए प्रस्थान किया। देहरादून गढ़वाल मंडल विकास निगम के अतिथि गृह में चार धाम यात्रा हेतु ठहरने वाले यात्रियों के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए डॉक्टर्स और चिकित्सकीय सुविधाओं का पूरा इंतजाम किया गया है। अतिथि गृह में ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर मापने की मशीन और ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की गई है।